दोस्तों नमस्कार, माय एडवाइस प्ले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको ऐसी प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको 3 से 4 गुना प्रॉफिट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक आपको एक ही ओवन से जो है बहुत तरह के अलग अलग जो है प्रोडक्ट को हम बनाकर जो है सेल कर सकते हैं। हमारी शॉप के अंदर, दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर उसको सप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है। ये जो है ये है बेकरी ओवन है जो गैस से चलता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट को हम मेकिंग कर सकते हैं। उसमें से अभी जो है यहाँ पर पफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये पफ है और ये जो है वो स्वीट कुकीज है जिसको नान खटाई बिस्किट बोलते हैं। और यहां पर जो है ये नमकीन बिस्किट है, एक तरीके का नमकीन बिस्किट है ये। और ये जो है इसको खारी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, खारी नमकीन है जो चाय के साथ जो खाने में यूज होता है, वो प्रोडक्ट है ये। इसको हम बना के होलसेल के अंदर भी सेल कर सकते हैं, पार्लर में, फिर जहाँ पर भी करियाना शॉप होता है उस टाइप की जगहों पे इसी प्रोडक्ट को बना के पैक करके मार्केट के अंदर आप सप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओवन खरीद के ये सारे बिजनेसेस किए जाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी जो है यहाँ पर इसके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा जो ओवन है वो 1 डेस्क का है और 1 ट्रे का है। ट्रे का जो डायमेंशन है वो 16x24 है, ट्रे डायमेंशन है दोस्तों। ऐसे जो है वो 16 इंच है और ऐसे जो है 24 इंच है, यानी 1 डेक, यानी कि एक डोर, एक दरवाजा और उसके अंदर एक ट्रे, वो वाला मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 2 तरीके का हीटिंग टेम्परेचर सिस्टम कंट्रोलर मिल जाता है। ऊपर की साइड में एक दिया गया है और एक नीचे की साइड में दिया गया है, ठीक है। और ये जो है उसका टाइमिंग है, यानी अभी हम जो है वो पफ बनाएंगे तो पफ बनाने के लिए जो है हमारा टेम्परेचर रहेगा वो 220 रहेगा, यानी 220 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान रहेगा और 220 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान रहेगा, ठीक है। तो ये अभी इतना हमने सेट कर दिया है, ठीक है। और यहां पर जो है हम टाइमिंग सेट करेंगे, तो टाइमिंग को हम अप कर रहे हैं जो अप्रोक्स 14-12 मिनट होगा, अप्रोक्स 12 मिनट होगा, ठीक है। अब इसको ट्रे को हमको रख देना है, अंदर खोल देना है और ये फिर सिंगल ट्रे वाला जो हमारा ओवन है उसमें सिंगल ट्रे जो है इस तरीके से जो है वो रख दी जाएगी। इसको सेट कर दिए और फिर ये डेस्क को क्लोज कर देना है। अभी जो है ये ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो गया है, अंदर जो इसकी प्रोग्रेस जो है इसकी सिस्टम जो है उसने वर्क कर दिया है स्टार्ट। जो है ये हमारे पफ जो है रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमको थोड़े क्रिस्पी बनाने थे इसलिए हमने इसको क्रिस्पी बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसके अंदर ओवन मेकिंग हो जाता है। टेम्परेचर सेटिंग हमारे हाथ में है, अगर आप थोड़ा लाइट कलर लाना चाहते हैं तो लाइट ला सकते हैं, थोड़ा डार्क लाना चाहते हैं तो डार्क ला सकते हैं, आप आपके हिसाब से जो है उसको रेडी कर सकते हैं। अभी ये पफ आपको निकाल के बताएंगे और डिस्प्ले वार्मर जो है उसके अंदर इसको फिर रख देना है आपको। बाद जो है ओवन के बाद जो है आपको डिस्प्ले वार्मर खरीदना चाहिए ऐसे सोडा मशीन से, ताकि आपका जो पफ है वो उसका डिस्प्ले हो, लोगों को पता चले कि आप जो है क्या बेच रहे हो आपकी बेकरी के अंदर। तो वो सारी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल में है। नान खटाई जो है स्वीट बिस्किट कुकीज जो है हमारा स्वीट कुकीज रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप कितना बढ़िया जो इसका कलर आया, ना कहीं जगह से जला है ना कच्चा रहा है, एकदम कंप्लीट जो है वो रेडी हो चुका है। खारी नमकीन मैंने पफ टेस्ट किया है, बहुत क्रंची है और अंदर से मतलब अलग ही टेस्ट है। ऐसा चीज भी डाला था हमने, चीज भी बराबर है, चीज बराबर आ रहा है उसका, हाँ चीज का टेस्ट आ रहा है, ऐसा टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। फर्स्ट टाइम हमने मेकिंग किया इसीलिए हम हमारे स्टाफ का ही रिव्यू लेंगे आज। अयान भाई खा रहे, अयान भाई क्या टेस्ट कर रहे हैं आप? नान कटाई टेस्ट कर रहे हैं। नान कटाई कैसी है? स्वीट बराबर है, बेहतरीन बनी हो रही है। अच्छा क्रंची है, इसके अंदर बहुत प्यार दिख रहा है। हमारे इशरत मैडम ने टेस्ट किया, क्या टेस्ट कर रहे हैं मैडम? सर मैंने खारी टेस्ट की है। अच्छा, जैसे बाहर से जैसे खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाया,
उससे भी जैसे एक क्रंच जो आता है उसका सॉफ्टनेस जो अंदर होता है क्रंच वो बरकरार है उसमें। और आज हमने फर्स्ट टाइम जो है फ्रेश और इंस्टेंट पकी हुई खारी और ये सब हम टेस्ट कर रहे हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें ऐसा है कि बाहर अपने जो पफ खाते हैं उसमें सॉस की जरूरत पड़ती है, इसमें वो चीज नहीं है। सॉस नहीं डालोगे तो भी उससे अच्छा टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मुंह में घूम रहा है उसका मैदा, बिल्कुल पक चुका है पफ। यानी ओवन जो है हमारी नई प्रोडक्ट जो है सक्सेस होने वाली है दोस्तों। माज भाई आपको कैसा लगा? खाने में बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कैसा लगा? एकदम मस्त, परफेक्ट, टेस्टी, बेस्ट। धवल भाई को एकदम बेस्ट लगा। असलम भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये खारी, में ऐसी खारी में पहली बार खा रहा हूँ। ऐसी खारी पहली दफा खा रहे हैं हमारे असलम भाई, आपको कैसा लगा? मंजर एकदम बढ़िया सर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ है सर, और बहुत अच्छी तरह से बेक भी हुआ है। हमारी काफी अच्छा है और क्रंचनेस भी इसकी एकदम परफेक्ट है। देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा नया प्रोडक्ट, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप लगातार ग्रोथ कर सकते हो और 3 से 4 गुना जो है अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसे बिजनेस के लिए नीचे दिखाए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम भी आपको दिखा दी, यही लोग जो है कॉलिंग पे बात करते हैं आपसे। तो कॉल करें और अपने मशीन की डिटेल्स और जानकारी और प्राइस आप फोन पे ले सकते हैं। तो कॉल करिए और अपनी मशीन जल्दी बुक कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।